हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नया प्रोडक्ट जो है सनग्लास विद एक्सटेंशन। थोड़ा सा नया है, मतलब मार्केट में भी आ रहा है, तो मैं आपको उसको पहले तो अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यदि बॉक्स को देखा जाए तो काफ़ी देखने में सुंदर है और ये है एक्सटेंशन। तो पहले हम इस स्पेक्स की बात करते हैं। यदि मैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी देखूं तो काफी हद तक अच्छी है। ड्यूरेबल है और इसके साथ जो एक्सटेंशन है वो तीन एक्सटेंशन है। एक है ब्लैक, सेकंड है ब्राउन और थर्ड है आपका नाइट विजन। तो ओवरऑल जो हम एक एक करके इसको ला के देखें, देखिए तो और देखेंगे कि कितना ड्यूरेबल लगता है देखने में। ये थोड़ा मैग्नेटिक होता है, देखिए। तो इससे आपको बार बार चश्मा चेंज कराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लेंसेज खुद ऐड करा सकते हैं। तो देखिए इसमें कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि आपने इसमें एक्सटेंशन लगाया है। मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए यदि आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो आप देखिए, इसको और मैं जूम करता हूँ तो साइड से बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए। लेकिन आप यदि डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको कहीं से मैच नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसको निकालना भी आसान है। इसमें जो दे रखा है, इसमें के हुक दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक है, और इसमें जो है यहाँ मैग्नेट है और ये यहाँ मैग्नेट है। तो इसमें जाके ये एग्जैक्टली ऐसे बहुत इजीली, और ये हिलने से भी, यदि मैं इसको हिलाता हूँ तो देखिए गिरता नहीं है, गिरेगा नहीं, जबकि और मैग्नेट्स में ये गिर जाता है। यदि मैं इसको पूरा हिला रहा हूँ तो ये नहीं गिर रहा है, तो इट मीन्स काफ़ी रिलायबल है। अब मैं दूसरा लगाता हूँ, ये हो गया वन, ये हो गया सेकेंड। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि देखिए आप अंदर भी यदि देखें इसमें इनर एरियाज में, तो आपको कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि ये इसके ऊपर एक्सटेंशन है। मैं इसको देखूं क्लोज से, देखिए साइड से थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन यदि आप पहन के घूम रहे हैं तो किसी को नहीं पता चलेगा। और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, वेट भी यदि आप देखें तो बहुत हल्का है, हार्डली शायद 2-4-5 ग्राम होगा। तो ये एक्सटेंशन है और एक एक्सटेंशन है ये, तीनों ही कूल एक्सटेंशन। अभी इसमें लोग 5 वाले भी आ रहे हैं, 6 वाले भी आ रहे हैं, ब्लू पिंक एंड दिस। तो इसमें पर्टिकुलरली इसमें जो है एक नाइट के लिए है, अब सनलाइट के लिए है, एक ड्राइविंग के लिए है। तो इवनिंग हो गया, एक आपका हाई सनलाइट के लिए हो गया और एक ड्राइव के लिए हो गया। साथ में इसको आप अपने स्पेक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसमें देखेंगे तो आप अपने लेंसेज लगा सकते हैं या फिर इसको प्लेन छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें आप जो चाहे उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके मैं केस की बात करूं तो केस भी काफ़ी अच्छा है,
हटने के लिए। ये आपका एक हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। अब मैं इसको यूज़ करूँगा। पहला रिव्यू मैंने आपको दे दिया कि देखने में बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं, और मैं ये भी देखूँगा कि क्या एक दूसरे के ऊपर ये ऐड हो जाता है। नहीं तो पहला रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब 3 महीने के बाद मैं इसका सेकंड रिव्यू करूँगा, क्योंकि क्वालिटी आपको या ड्यूरेबिलिटी आपको जब पता चलती है जब आप किसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और बताऊँगा आपको कि कैसा है, और फिर हम बात करेंगे प्राइस की। हालांकि इसकी यदि मैं रेंज बताऊँ तो ये अमेज़न पर या बाकी जगह मार्केट में 1200 से लेकर 5000 रुपये तक या 10000 रुपये तक भी जा रहे हैं, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। ये है केल्विन आई, तो ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। मैंने लिया है इसको टेस्ट करने के लिए आपके लिए, और मैं इसको यूज़ करूँगा। ओवरऑल देखा जाए तो कम्बिनेशन है आपके पास मल्टीपल स्पेक्स रखने के का ऑप्शंस, इससे बेटर है कि आप ये रखें। और इस ट्रैवल केस है। थैंक यू, तो फिर मिलेंगे दोस्तों।